The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फिंगर नंबनेस. अगर आपकी उंगलियों में अगर आपके नंबनेस आने लग जाए, मतलब कि आपकी उंगलियां जो है सुन होने लग जाए, फिंगर नंबनेस होने लग जाए, टिंगलिंग हो जाए, नंबनेस हो जाए, प्रिकिंग सेंसेशन हो जाए, चुभन आने लग जाए, तो उसका क्या मतलब ऐसा लगने लग जाए कि कोई आपकी फिंगर को टच कर रहा है नीडल से, लेकिन वहां कुछ है नहीं, कोई नीडल है नहीं, तब आप कैसा महसूस करेंगे? वॉट काइंड? कई बार ऐसा लगता है कोई आग लगा रहा है फिंगर के नीचे, लेकिन वहां तो कुछ है ही नहीं. सो वाई इज दिस हैपनिंग टू मी, ऐसा आप बोलोगे, लेकिन उसका आंसर हम देंगे. फिंगर नंबनेस कैन इवन अफेक्ट योर एबिलिटी टू पिकअप थिंग्स. आपको लगेगा, पता ही नहीं चलेगा कि आपने कुछ उठाया, क्योंकि वो सेंसेशन नहीं आएगा उठाने का. तो आप पहले उठा लोगे, अरे अरे, समथिंग लाइक दैट. सो इट कैन मेक यू फील क्लम्जी और इट कैन एक्चुअली रिड्यूस योर स्ट्रेंथ ऑफ योर ग्रिप ऑल्सो. सो क्या है ये फिंगर नंबनेस? फिंगर नंबनेस एक सिम्टम है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ बेसिक अंदर बैकग्राउंड में चल रहा है जो इसके वजह से फिंगर नंबनेस हो रहा है. अब वॉट इज द कॉज ऑफ फिंगर नंबनेस? आपके प्रॉब्लम इज देयर इन योर नर्व्स, नॉट नर्व्स मतलब या तो ब्लड सप्लाई में या तो नर्व सप्लाई में, इलेक्ट्रिकल नर्व्स या ब्लड सप्लाई, ये दोनों में से किसी चीज में प्रॉब्लम है. मोस्ट लाइकली नर्व सप्लाई प्रॉब्लम इसमें देखा जाता है. नर्व सप्लाई में प्रॉब्लम मतलब कहाँ आएगा? नर्व फिंगर में सिर्फ इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि अगर ब्लड सप्लाई होगा तो पूरे हाथ में होगा, पूरे यहाँ होगा, लेकिन सिर्फ फिंगर में नर्व्स में प्रॉब्लम आने सकता है. सो नर्व में सबसे पहला और सबसे कॉमन कारण हम एक एक करके चलाएंगे. कार्पल टनल सिंड्रोम नाम का एक डिजीज होता है, मतलब कि आपके हाथों में जाने वाली नर्व नसें जो हैं वो ऑब्वियसली रिस्ट से होके गुजरेंगी, और रिस्ट से होके गुजरने में, यहाँ रिस्ट में कई बार एक बैंड होता है हमारे फेशिया का, जो टेंडन लिगामेंट्स कह लीजिए, अगर ये बहुत ज़्यादा टाइट हो जाए या हमारे नर्व जो है ये हैंड के इस रिस्ट के रास्ते में दबने लगे बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन, तो वहाँ पर कार्पल टनल सिंड्रोम होता है. दिस कैन कॉज नंबनेस. ये आपके कई बार ये इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर में नंबनेस होने लग जाता है. सो दिस इज कॉल्ड कार्पल टनल सिंड्रोम. देन सेकेंड कॉज इज सर्वाइकल प्रॉब्लम, बिकॉज नर्व जो आ रही है, नस जो यहाँ तक आ रही है, वो अल्टीमेटली आ रही है आपके गर्दन से, सर्वाइकल स्पाइन से. सर्वाइकल स्पाइन से आने वाली इसमें सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी अगर होता है, मतलब एक नर्व जो गर्दन से निकल के यहाँ तक आ रही है वो कहीं ना कहीं इन्फ्लेम हो रही है, या तो स्टार्टिंग में दब रही है, या तो बीच में कार्पल टनल सिंड्रोम में हो रहा है, पिंच हो रही है, कहीं ना कहीं हो रही है. थर्ड रीजन इज डायबिटीज, शुगर में डायबिटिक न्यूरोपैथी होता है, आपको पता होना चाहिए. न्यूरोपैथी मतलब नर्व्स गेट डैमेज्ड बिकॉज ऑफ डायबिटीज, ज़्यादातर ये फीट में होता है, हैंड में भी हो सकता है. सो यूजुअली कई बार लोगों को पैरों में होता है, आपको हाथ से शुरू हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबल है, ज़्यादातर लोगों के पैरों में पहले होता है. फोर्थ रीजन इज समथिंग कॉल्ड एज रेनॉन्स डिजीज. नाउ व्हाट इज दैट? आपके नसों में जाने वाली इलेक्ट्रिकल नर्व्स के बाद छोटी छोटी आर्टरीज भी होती है, खून के सप्लाई भी तो जाएगा, खून भी तो जाएगा. ये खून जो है, अगर ये खून की आर्टरीज, छोटी छोटी आर्टरीज जो ऐसी मान लो ये इतनी छोटी आर्टरी है, और वो स्पाजम हो जाए, वो और छोटी हो जाए, और छोटी हो जाए, बंद हो जाए, सारी आर्टरी एक साथ बंद हो जाए, तो खून कुछ देर के लिए यहाँ जाना बंद हो जाता है. दैट कैन कॉज टेंडरनेस, स्वेलिंग, पेन, जॉइंट पेन, बहुत कुछ हो सकता है. दिस कैन इवन कॉज टिंगलिंग, नमनेस, बर्निंग इन द हैंड्स. सो दिस इज कॉल्ड सॉरी जॉइंट पेन जो ना रिफिंग ये होता है, इसमें नमनेस होने लगता है, सर्कुलेशन नहीं होगा तो नमनेस होगा, और नमनेस होगा, स्वेलिंग नहीं आएगा, सिर्फ नमनेस होगा, टिंगलिंग नमनेस. इसके बाद जो आता है रूमेटिक आर्थराइटिस है, जिसमें ऑटो इम्यून डिजीज है, जिसमें आपके फिंगर में स्वेलिंग, टेंडरनेस, पेन जॉइंट में होगा, छोटे छोटे जॉइंट में पेन होने लगा, हाथ हिलाने में मुश्किल होने लगी, सुबह सुबह हाथ हिल नहीं रहा, फिर थोड़ा एक आध घंटे में हिलना शुरू हुआ,
समथिंग लाइक दैट, प्लस उसके साथ टिंगलिंग नमनेस एंड बर्निंग सेंसेशन कैन हैपन इन द हेड. ये सारे कारण है. एक और कारण है अल्नर नर्व एंट्रैपमेंट. जैसे कार्पल टनल सिंड्रोम में मीडियल नर्व होती है, यहाँ पे मीडियल नर्व बीच से जा रही है, अल्नर नर्व यहाँ से जा रही है, रेडियल नर्व इधर से जा रही है, तीन नर्व होती है. ज़्यादातर कार्पल टनल में मीडियल नर्व इन्वॉल्व होती है, यहाँ पर अल्नर नर्व भी इंट्रैप्ट हो सकती है, यानी एंट्रैप मतलब दब रही है किसी कारणवश. अल्नर नर्व एंट्रैपमेंट में देयर विल बी लिटिल फिंगर साइड में आपके टिंगलिंग नमनेस होने लगी. अल्नर यहाँ है, अल्नर यहाँ है, सो लिटिल फिंगर साइड में टिंगलिंग नमनेस होने लगेगी. सो हमें उस चीज़ में ध्यान देना है कि टिंगलिंग नमनेस कहाँ हो रही है, वेरी इंपॉर्टेंट. इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हैं जनाब आली. सो इसके अलावा भी जैसे हमने बताया कार्पल टनल सिंड्रोम, सर्वाइकल प्रॉब्लम, डायबिटीज, रेनॉल्ड्स डिजीज, खून की नसों का प्रॉब्लम, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, अल्नर नर्व इंट्रैपमेंट. इसके अलावा जो लेस कॉमन साइड इफेक्ट्स कारण है वो है अमाइलॉइडोसिस, ब्रेन के अंदर एक प्रोटीन डिपॉजिट होने लगता है, गैंग्लियन सिस्ट, गिलेन-बारे सिंड्रोम, एचआईवी, एड्स, लाइम डिजीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, कीमोथेरेपी, सिफिलीज, स्ट्रोक, जॉर्जन सिंड्रोम, वैस्कुलाइटिस, और बहुत कॉमन है विटामिन B12 डेफिशिएंसी. जी हाँ, B12 डेफिशिएंसी से भी हो सकता है. हैंसन्स डिजीज, लेप्रसी और फ्रैक्चर. सो ये सब अनकॉमन है, ज़्यादा कॉमन है विटामिन B12 डेफिशिएंसी और बाकी सारे जो डायबिटीज, सर्वाइकल प्रॉब्लम, दीज आर द मोस्ट कॉमन रीजंस. डॉक्टर को कब दिखाना है? कई बार ये टिंगलिंग नमनेस जो अपने आप बीच बीच में आता है ठीक हो जाता है, कई बार अगर ये इसके साथ सिर्फ हाथ में नहीं है और भी बहुत सारी जगह पे है. मान लो आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, चक्कर आ रहा है, बेहोश हो रहे हैं, डिजीनेस हो रहा है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा कुछ भी हो रहा है, हेडेक हो रहा है, स्लरिंग ऑफ स्पीच हो रही है, तो फिर आप डॉक्टर को दिखाओ, बिकॉज दैट कैन बी अ स्ट्रोक. यू हैव टू फाइंड आउट वेदर इट इज़ अ स्ट्रोक, वेदर इट इज़ अ सिंपल प्रॉब्लम, अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, वॉट एग्जैक्टली इट इज़, ठीक है ना. सो फिंगर नमनेस को डायग्नोस करने के लिए डॉक्टर आपका नेक, शोल्डर, आर्म्स, रिस्ट, फिंगर, सब में एरिया में आपके पल्सेस चेक करेंगे, एग्जामिन करेंगे, सेंसेशंस चेक करेंगे, बोन्स देखेंगे सही जगह है नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, फिर ब्लड चेकअप होगा, ब्लड चेकअप में आर्थराइटिस, विटामिन डी डेफिशिएंसी, विटामिन B12 डेफिशिएंसी देखी जाएगी, गर्दन में चेक किया जाएगा, गर्दन में कोई एक्सरे करने की जरूरत है नहीं है, MRI की जरूरत है नहीं है, दोज थिंग्स विल डायग्नोस एग्जैक्टली वॉट इज द प्रॉब्लम, वेयर इज द प्रॉब्लम, क्यों फिंगर नमनेस हो रही. अपार्ट फ्रॉम दैट ट्रीटमेंट विल डिपेंड अपॉन द कॉज ऑल्सो. अगर हमें लग रहा है कि कहीं पर नर्व इन्फ्लेम हो रही है, दर्द है, दिक्कत है, कहीं भी कुछ भी है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम इंड्यूस करते हैं, हम इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए मेडिसिन दे सकते हैं, नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लामेटरी, जैसे पैरासिटामोल, ब्रूफेन, नेप्रोक्सिन, ऐसी दवाएं. इसके अलावा एक बहुत कॉमन तरीका है रिस्ट को या उस हाथ को ब्रेस कर देना, स्प्लिंट कर देना, हिलने नहीं देना. कई बार इसके वजह से होता है कि वहाँ फ्रैक्चर है, स्प्लिंट है, नस दब रही है, तो आर्म के मूवमेंट से टिंगलिंग नमनेस होने लग जाती है, तो हम उसको भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं. रेयर केसेस में ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है या नसों में इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है, रेयर केसेस, रेयर. सर्जरी मतलब क्यों करते हैं, नर्व डैमेज हो रही है, बोन ज़्यादा जगह ही नहीं है उसमें, क्यूबाइटल टनल रिलीज करना है, क्यूबाइटल प्रेशर रिलीज करना है, नर्व इम्पिंजमेंट को रिलीज करना है, या फिर मीडियल एपिकंडलेक्टॉमी करनी है, ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे ऑपरेशन है, वहाँ से प्रेशर हटाना है बस, सिंपल. एक्सरसाइज करो आप, स्ट्रेच करो अपने हैंड एंड रिस्ट को, द स्ट्रेचिंग इज़ वेरी सिंपल. हाथ को आपने स्ट्रेट रखना है, स्ट्रेट रख के यहाँ से ऊपर से ऐसा पीछे खींचना है, जितना हो सके जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, बस ज़्यादा दिन नहीं, 30 सेकेंड्स खींच के रखो, छोड़ो, तो उसके बाद यहाँ से ऐसे जाने दो, ये क्या गया, ये ऐसे ऐसे खींच के रखो, 30 सेकेंड्स खींच के रखो, खींच के रखो, खींच के रखो, खींच के रखो, छोड़ दो, दैट्स इट. दीज आर द स्ट्रेचिंग विच यू नीड टू डू, एंड द स्ट्रेचिंग इज फुल स्ट्रेच दिस, एंड यू कैन डू अ लिटिल रोटेशन. सो स्ट्रेचिंग, फिंगर वाइड और ओपन, ऐसा 10 सेकेंड मिनिमम बोलते हैं, 30 रख लो बेस्ट है. रोलिंग योर शोल्डर्स, शोल्डर रोल करो, अपना कंधे को रोल करो, है ना, मस्त अपना स्ट्रेचिंग करो. फिजियोथेरेपिस्ट विल टीच यू ऑल ऑफ देम. रिपीट द एक्सरसाइज टू रिड्यूस द टेंशन इन योर मसल्स, इन योर नेक,
वेर एवर दैट टेंशन कहाँ पर भी है, बस दैट्स इट, इतना करोगे ठीक हो जाओगे, है नहीं? इसको प्रिवेंट करने के लिए अच्छा पोस्चर रखो, सही से खड़े रहो, सही से बैठो, सामान उठाते समय पोस्चर बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप गर्दन में इंजरी कर लोगे। और लंबे समय तक एक जगह बैठे मत रहो, बैठ रहे हो तो उठ के जाओ काम करो, हर घंटे और 2 घंटे में 2 मिनट 5 मिनट का ब्रेक लो, खड़े हो, स्ट्रेच करो, बताया हुआ है मैंने पहले, तो पोस्चर एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। दैट्स इट, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर वेरी सिंपल, आप अपने डॉक्टर से बात करें इसके लिए एंड दे विल टेल यू व्हाट यू नीड टू डू। दिस इज डॉक्टर परमजीत, यू आर वॉचिंग डॉक्टर एजुकेशन, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हेल्दी।